निपा वायरस मनुष्य में संक्रमित सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों के संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस चमगादड़ से फलों से इंसान और जानवरों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस संक्रमण के चपेट में जल्दी आते हैं। यह वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया के निपाह प्रांत में सामने आया था। इसी कारण इसका नाम निपाह वायरस रखा गया। भारत में सबसे पहले 2001 में सिलीगुड़ी और 2017 में नादिया में इस वायरस की पुष्टि हुई थी। इसमें फ्रूट बैट सबसे खतरनाक चमगादड़ होता है। इस बीमारी के लक्षण की शुरुआत सिर में तेज जलन, सिर दर्द और बुखार होता है। बुखार के साथ मरीज मानसिक रूप से सुस्त तथा कंफ्यूजन की अवस्था में होता है। कुछ मामलों में सांस लेने में भी दिक्कतें आती हैं। 24 से 48 घंटे में लक्षण काबू में ना हो तो इंसान कोमा में चला जाता है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी ने देते हुए बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए यह जानना जरूरी है कि यह वायरस जानवरों से इंसान में फैलता है, इसलिए जानवरों से सीधे संपर्क में आने से बचें, चमगादड़ और सुअर से दूर रहें, पेड़ से गिरे हुए फल ना खाएं, खजूर खाने से परहेज करें, प्रभावित देशों की यात्रा यथासंभव ना करें, संक्रमित रोगी एवं जानवरों के पास बिना सुरक्षा व उपाय के ना जाएं। फलों या सब्जियों पर यदि जानवरों के खाए जाने के निशान हो तो ऐसे सब्जियों व फल ना खरीदें, ना ही खाएं। क्योंकि यह सुअरों से फैलता है इसलिए मांसाहार से भी बचें। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल में जाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, निपाह वायरस एक बहुत ही खतरनाक और बहुत तेज फैलने वाला वायरस है जो एक विभीषिका का भी रूप ले सकता है। अभी सौभाग्य है कि हमारे जनपद में एक भी केस ऐसा कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है, ना ही किसी की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी बचाव ही समझिए कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम बचें। बचने के लिए हमने कुछ पॉम्पलेट छपवाने को दिया है जो हम जनमानस में जागरूकता के लिए बंटवाएंगे। अखबार में दिया है, वो अखबार वाले उसको छापे भी हैं और लोगों ने पढ़ा भी है। आपके माध्यम से भी जनता में संदेश जाए कि कटे फल कोई भी हो, चाहे केला हो, नारियल हो या ऐसे फल हों जो केरल से आते हों ज़्यादातर, वो बिल्कुल ना खाएं। अगर किसी चुहिया बिस्कुया ने या किसी गिलहरी ने कोई फल काटा है तो आप ये नहीं जानते किसने काटा है, उसे भी ना खाएं। क्योंकि निपा वायरस के वाहक जो हैं वो चमगादड़, अभी तक जो डिजाइन मतलब पता है वो है चमगादड़ में बहुत ज़्यादा ये फैलता है, और सुअर, तो सुअर के गोश्त खाने का भी परहेज करें, वो भी इन दिनों बिल्कुल अवॉइड करें, और कटे हुए फल बिल्कुल ना खाएं। ऐसी जगहों पे कतई ना जाएं जहाँ पे ये संभावना हो कि चमगादड़ रहते होंगे, दिन में हट गए हैं, रात में वहाँ रहते हैं और बीट कर देते हैं। क्योंकि उनका बीट अगर हाथ में लग जाता है तो उसके माध्यम से भी अगर आपने कोई चीज़ बिना हाथ धोए साबुन से खा लिया तो वो संभावना संक्रमण की बढ़ जाएगी। चूँकि ये संक्रमण इतना तेज फैलता है, पहले गला ख़राब होगा, सांस की दिक्कत होने लगेगी और उसके बाद आदमी को झटके भी आ सकते हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा और बेहोशी तक आ सकती है, लास्ट में कोमा में जा सकता है और डेथ हो जाती है। केरल की घटनाओं के बारे में आप सभी जानते ही हैं पत्रकार बंधु। तो इसके बचाव में बस यही बात है कि जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि इसको इस तरह की सिम्टम्स हैं, जिसको बहुत खांसी की बात है, अचानक ये नहीं कि पुरानी खांसी है, फीवर तेज़ है या झटके आने लगे हैं, तो उससे दूरी बना के रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कटे फल ना खाएं, ताज़ा भोजन ग्रहण करें और ख़ास करके सुअर का मांस या हम तो कहेंगे हर तरह का मांस अवॉइड करें, तो इससे बचत हो सकती है। सर, किन मौसम में सर ज़्यादा प्रकोप रहता है? ये निपा वायरस तो अभी नया वायरस आया है। मौसम, जितने भी वायरल बीमारियाँ हैं, मौसम अप्रैल से लेकर और सितंबर तक का मौसम ऐसा होता है जिसमें इनके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, वो भी बहुत हीट होती है तो अनुकूल वातावरण नहीं रहता, क्लम्जी एटमॉस्फेयर, जैसे कि जब बारिश हो जाती है और चिपचिपा मौसम होता है, वो बहुत अनुकूल पाते हैं वायरसेस और उसमें बहुत ग्रो करते हैं और उसमें इनके बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है।